बदलते समय के साथ चीजें लगातार बदल रही हैं एग्जाम पैटर्न बदल रहे हैं लगातार एग्जाम पैटर्न में जो चेंज आ रहा है इस बार ये चेंज जी ए जनरल अवेयरनेस में है मैथमेटिक्स में चेंज 2017 के मेन एग्जाम से आया जब एस बी ने गजब का एनालिटिकल क्वेश्चन दिया था और उसके अगले ही साल आई बी पी ने उसको फॉलो किया अब आर आर की ओर भी जाता हुआ लक्षण नज़र आ रहा है जनरल अवेयरनेस में सामान्य सचेतता में ये परिवर्तन आ रहे हैं एग्जाम अधिक से अधिक एनालिटिकल हो रहा है वो चेक करना चाहता है कि आप एनालिसिस करने की क्षमता कितनी ज्यादा रखते हैं असल में जो जनरल अवेयरनेस का पैटर्न है ये सिविल की ओर जा रहा है पहले से जो पैटर्न बना बनाया है वो है कि कोई घटना कब घटित हुई कोई सम्मेलन कहाँ हुआ सबमिट कहाँ हुआ कौन से राजनेता कब आए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते थे थोडे थोड़े-थोड़े इसमें से कौन सा सही नहीं है इस टाइप का आने लगा जिसमें कि आपको घटना की पूरी जानकारी होनी चाहिए लेकिन सिविल सर्विसेज में जो पैटर्न है कि ए में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उस घटना के बारे में किसी सबमिट के बारे में कि यह सबमिट ए में यहां हुआ था दूसरा इसकी अध्यक्षता इसने की तीसरा इसमें इतने कंट्री शामिल हुए चौथा इसका थीम क्या था इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुए ईटीसी e उससे संबंधित डिटेल जानकारियों को ए बी सी या वन टू थ्री फोर में डाल दिया जाता है और तब पूछा जाता है ऑप्शन वन ओनली वन इज टू ओनली वन एंड टू आर ट्रू ऑल आर ट्रू नन इज ट्रू मतलब इस तरह से तो ये पैटर्न एक तरह से स्टूडेंट को थोड़ा परेशान करने वाला है लेकिन मेरा कहना है कि जिसने बदलते समय को पहचान लिया उसके चांसेस पहले की तुलना में बढ़ जाएंगे क्यों? क्योंकि ये तो कंपटीशन है ना? ज्यादातर स्टूडेंट परेशान हो गए इसमें आप स्थिर रहे और विचल रहे किया कि यस घटना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए इससे क्या होगा आप डिटेल जानकारी हासिल करेंगे जब आप किसी इवेंट को डिटेल में पढ़ेंगे मैगजीन्स में किसी भी सबमिट के बारे में डिटेल हंड्रेड वर्ड्स में रहते हैं आप उनको पढ़ेंगे पेपर पढ़ेंगे पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि किसी भी पेपर के किसी भी इवेंट में डिटेल लिखा रहता है कि क्या क्या हुआ कैसे हुआ यानी अब मेन एग्जाम के लिए जीए में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पहले जब ओनली फैक्ट होते थे वन लाइनर होते थे तब फैक्ट बनाने में नोट बनाने में फैक्ट को लिखने में थोड़ी दिक्कत होती थी उतना यूजफुल नजर नहीं आता था कितना नोट करेंगे अब तो बहुत यूजफुल है जो घटना सबसे इंपॉर्टेंट है जो लेटेस्ट सबमिट है जो लेटेस्ट इवेंट है उससे क्वेश्चन आना ही आना है इसलिए उसके बारे में डिटेल समझ लेने पर समझ लेने पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को क्योंकि जब आते हैं ये वन ये टू या थ्री तो आप सोचते हैं कि नहीं वन नंबर तो होगा नहीं तो इस आधार पर ऑप्शन छट जाते हैं ओनली वन इज ट्रू वन एंड टू आर ट्रू टू एंड थ्री आर ट्रू तो वन अगर सही नहीं है तो ऑप्शन वन और ए और बी ये तो कट गया ना मतलब आप जानकारी के आधार पर बहुत हद तक ऑप्शन को छांट भी सकते हैं और बाद में अगर दो ऑप्शन बचा तब तो रिस्क लेंगे ही लेंगे तो समझ रहे हैं कि बदलता पैटर्न किस तरह से आपको फायदा पहुंचा सकता है जब भी चीजें बदलती हैं एक हलचल मच जाती है कुछ स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होता है और कुछ के लिए नुकसानदेह जो स्टूडेंट बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने में सक्षम है ऐसे ही स्टूडेंट को च... का डिमांड होता है बैंकों के यहाँ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के यहाँ वो चाहते हैं कि हर बदलते समय के साथ हमारा एम्प्लॉय बदले अपने आप को और उसके लिए खुद को तैयार करे एग्ज़ाम पैटर्न में भी यही बदलाव नज़र आता है इसलिए अब पेपर से नोट्स बनाना बहुत जरूरी हो गया है ये सॉल्यूशन है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों से आगे जाएंगे और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे